जम के अंदर ऑथोराइज ब्रांड्स एंड ऑथोराइजर्स टू थाउजेंड ट्वेल्व टू टू थाउजेंड ट्वेंटी आई ट्रेवल अक्रॉस दी ग्लोब जहाँ जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का इको सिस्टम है वो पूरा मैंने स्टडी किया तो राइट फ्रॉम दी रॉ मटेरियल सप्लायर टू रिटेलर ये सारे स्टेट

Uh, पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज़ अ वोगम या सो वोगम इज द बी टू बी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सो बेसिकली वी आर सॉल्विंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशेंसी फॉर दी यू नो आवर कस्टमर्स लाइक बायर्स एंड सेलर्स सो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बायर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्मॉल स्मॉल जो मोम एंड पॉप्स जो स्टोर्स है दे आर आवर बायर्स स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स दे आर अवर बायर्स एंड जो ऑथोराइज ब्रांड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है दे आर अवर सेलर्स तो ये हमारा वो मॉडल है सो वी आर गिविंग देम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्लस क्रेडिट ऑप्शन वेयर दे कैन कम अवेल एंड टेक अवर सर्विस सो पहले ये लोगों का जो बिजनेस होता था वो ऑफलाइन होता था जिसमें Uh, मतलब वर्बल टेलीफोनिक और बहुत सारे मतलब हैसल्स रहते थे जिसमें मतलब uh, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का इश्यूज आता था बट थ्रू अवर टेक्नोलॉजी वी हैव सॉल्व दिस सो वोगोम के अंदर ऑथोराइज ब्रांड्स एंड ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन कम एंड उनका जो भी मतलब जो क्रेडिट है वो हम सॉल्व करते हैं और उनके बीच में जो बिजनेस है वो कितना ईजीली हो पाए Okay. उसके लिए हमने मल्टीपल प्रॉब्लम जो है वो टेक के थ्रू हमने सोल्व किया हुआ है सो लाइक स्कीम्स होता है hmm. उनका डिस्काउंटिंग ऑफर्स होता है वॉल्यूम बेज मतलब उनका जो परचेज होता है उसके ऊपर जो स्कीम्स रन होती है सो देर आर मल्टीपल थिंग्स जो फिजिकल याद रखने में बहुत तकलीफ होती है तो वो हमने डिजिटली सॉल्व किया हुआ है ओके फुल फॉर्म ऑफ वोगम सो वोगम का जो फुल फॉर्म है इट्स अ वेरी लार्ज कॉज राइट तो इट्सू मीस वर्ल्ड जी ओ मीन गुड्स एम्स इज दैट इज विज़न तो हमारा जो विजन है वो बोगोम के नाम के अंदर ही आ, मतलब yeah, है आपका मैंने बैकग्राउंड देखा था यू है इलेक्ट्रिक इंजीनियर उसके बाद आपने बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल की और उसके बाद आप इसमें इन्वॉल्व हुए तो कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस सो दैट इज दी माई लर्निंग सो मेरा जो प्रीवियस वेंचर था वहाँ पे मतलब मैंने लॉट्स ऑफ ट्रैवल किया बिटवीन टू थाउजेंड ट्वेल्व टू टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड इन दैट एट ईयर्स आई ट्रैवल अक्रॉस ग्लोब, जहाँ जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का इको है वो पूरा मैंने स्टडी किया एंड uh, सारे लेयर के जो लोग हैं चाहे वो ब्रांड हो या मैनुफेक्चरर हो या मटेरियल सप्लायर्स हो रॉ मटेरियल सप्लायर्स टू रिटेलर ये सारे स्टेक होल्डर्स की जर्नी मैंने कंप्लीट की उसको कैसे हम एफिशियंटली टेक के थ्रू सोल्व कर सकते हैं सो दैट आई लर्न इन लास्ट एट ईयरस एंड यू नो धेन आई मेक माई स्ट्रेटेजी फॉर वो कम ओके ओके

ये जितने भी डॉट्स अवेलेबल है लाइक like काफी सारे ब्रांड्स कहीं पे अवेलेबल है कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अवेलेबल है कहीं पे इनोवेशन अवेलेबल है hmm. कहीं पे फाइनेंस अवेलेबल है कहीं पे वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है सो ये जितने भी डॉट्स है अगर हम एक टैग पे कनेक्ट कर देते हैं तो उसका जो एफिशंसी है दैट एवरीबडी कैन एंजॉय राइट तो बेसिकली वी आर सॉल्विंग इन द शॉर्ट ट्रांसपेरेंसी एंड ओके सो इन बी टू बी वैल्यू चेन वी आर सॉल्विंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिसंसी मेन okay. इंस्पिरेशन so कि मैंने जो पूरा ट्रैवल किया उसमें जो मैंने देखा कि सब कुछ डुप्लीकेट बनाने की जरूरत नहीं है एवरीथिंग इज अवेलेबल बराबर है बस उसको अगर आप अंडर वन अम्ब्रेला अगर कनेक्ट कर देते hmm. हो तो भी बहुत बड़ा वैल्यू बन जाएगा hmm. वो pain, mean, आपका था ना मेन पेन पॉइंट अलग 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 अलग, अलग चीजें सब एक साथ करेक्ट करेक्ट और जो कस्टमर साइड था तो कस्टमर साइड पे हमने देखा कि बिकॉज़ ऑफ़ एंड मॉडर्न रिटेल जो स्मॉलेस्ट रिटेलर है वो कहीं ना कहीं पे अपग्रेड नहीं हो पा रहा था या कहीं ना कहीं पे उसके बिजनेस में चैलेंजेस आ रही थी सो वी रियलाइज की अगर हम ये सारे जितने भी डॉट्स अवेलेबल है अगर ये सारा वैल्यू प्रपोजिशन अगर हम ये स्मॉल रिटेलर तक लेके जाते हैं तो बीच में बहुत बड़ा मतलब जो वैल्यू है वो क्रिएट हो सकता है सो दैट्स वाई हमने कस्टमर टारगेट किया स्मॉल रिटेलर को okay. और वो यूनिवर्स भी बहुत बड़ा है राइट right? तो वो स्मॉलेस्ट रिटेलर्स को मतलब आप डायरेक्ट ओ के साथ ब्रांड्स के साथ या जो ऑथोराइज सेलर से उनके साथ अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हो hmm. तो उनके लिए धंधा करना या बिजनेस करना बहुत इजी हो जाएगा बराबर ओके सो ड्यूरिंग द रिसर्च हमने एक फिजी टल करके टर्म था वो फाउंड किया तो ये टर्म भूगम में क्या यूज किया मतलब सो बेसिकली फिजिटल इज यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल प्लस फिजिकल ओके ओके सो डिजिटल मीन्स यू हैव अ टेक वेयर यू नो यू विल कनेक्ट एवरीबडी ऑन द टेक्नोलॉजी एंड यू हैव द फिजिकल शॉप्स राइट तो ये जो फिजिटल जो एक्सपीरियंस है वो हम रिटेलर का कस्टमर तक लेके जाएंगे सो दिल बी दी बी टू बी टू सी अप्रोच सो इन टारगेटिंग बी टू बी वेर ओनली बी टू बी स्टेक होल्डर्स विल कम ज्वाइन एंड देटल डाउन विद बिजनेस एक्सपीरियंस एंड एवरी थिंग देन इन फेज टू वी विल ऑल्सो ऑन बोर्ड कस्टमर्स बट वी विल गिव टू दी रिटेल एंड कस्टमर को जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो फिजिकल प्लस डिजिटल का मिलेगा तो उसको सिर्फ डिजिटल बराबर है जब वो दुकान में जाता है हुँ. तो उसको फिजिकल एक्सपीरियंस मिलता है बट थ्रू वोगोम दैट विल बी फिजिकल बट दैट इज सम टाइम बी टू सी या बी टू टू सी बी टू बी बी टू सी सो so, uh, मैंने देखा है कि यार स्टार्टअप करना बिजनेस ओपन करना एक छोटी बात नहीं होती इट्स लाइक काइंड ऑफ एक माइंडसेट चाहिए होता है एंड uh, आपको क्या लगता है ये जो ट्रैवलिंग किया आपने या जो भी अभी तक का जो एक्सपीरियंस था दैट वाज द मेन माइंडसेट बिहाइंड इट कि यार क्या माइंडसेट क्या था टू स्टार्ट द कंपनी नहीं उससे भी पहले सिंपल था ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग आई रियलाइज कि मुझे बिजनेस करना है एंड इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है क्योंकि थोड़ा बेसिक रीडिंग का भी शौक था या मतलब जो एस्पीरेशंस थे वो काफ़ी हाई थे और अंडरस्टैंडिंग uh, थी कि यार बाहर इतनी सारी इकोसिस्टम अवेलेबल है अपने कंट्री में नहीं है नहीं। इतना बड़ा पॉपुलेशन है अगर हम खुद से ही कुछ अगर करेंगे तभी हो पाएगा वी कैन नॉट से कि यार बाहर ये है यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं, नहीं है राइट नहीं। तो आपको कोई भी एक चीज वन थिंग पकड़ के आपको उसको बनाना है बट ड्यूरिंग मतलब इंडिया में क्या नहीं है वो अगर आप सोच के मतलब अगर आप करोगे तो आपको कोई ना कोई आइडिया या कोई ना कोई कॉज आपके साथ कनेक्ट होगा सो दैट वी डिड एंड इंडिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए था कि आज इंडियन रिटेलर को उसका जितना भी डिस्कवरी और फाइनेंस रिलेटेड और बाकी के जितने भी उसके प्रॉब्लम है वो एक ही प्लेटफॉर्म से सॉल्व हो जाएगल okay. क्या होता है की एक जगह से माल बिकता है फिर दूसरी जगह पे जाता है फिर वो स्टोर करता है वो अपना मार्जिन एड करता है फिर तीसरी जगह पे जाता है लाइक यू नो फ्रॉम ब्रांड टू डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर राइट वहां पर क्या होता है की समटाइम्स बेज ऑन दी डिमांड सप्लाई और नीड एंड अर्जेंसी प्राइजिंग प्लस माइनस होता रहता है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं।, नहीं रहती है और कहीं ना कहीं पे डुप्लीकेसी की वजह से एफिशिएंसी नहीं रहती है उसकी वजह से मार्जिन जैकअप हो जाता है मार्जिन जैकअप हो जाता है तो वो लोग फिर ऑनलाइन और मॉडर्न रिटेल के सामने फाइट नहीं कर पाते स्मॉल रिटेलर्स राइट क्योंकि एंड कस्टमर का प्राइस भी आपका चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस सो वी रियलाइज की अगर हम ये चेंज में पूरा ट्रांसपेरेंसी एफिशंसी ला देते हैं तो जो एंड कस्टमर का जो प्राइसिंग एफिशिएंसी जो है और एंड कस्टमर का जो मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल एक्सपीरियंस है वो काफी इजी हो जाएगा एंड नेबरहुड शॉप में जो ट्रस्ट है एंड कस्टमर का वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा है क्योंकि इफ यू विल कॉल टू कस्टमर इजीली दे विल कम विद इन वन आवर राइट तो आज जो नरेटिव भी जो चेंज हुआ है क्विक कॉमर्स का सो so वही है राइट right? क्योंकि अगर आप कॉल करोगे और विद इन वन आवर और ऑर्डर करोगे और विद इन वन आवर और विद इन फिफ्टीन गेट द डिलीवरी एंड कस्टमर इज़ हैप्पी और उसको पता है ना आपका एक शॉपिंग बिहेवियर भी अगर बात करें अगर हम एंड कस्टमर की बात करते हैं तो शॉपिंग बिहेवियर क्या है कि हर एक कैटेगरी का आपका एक दुकान फिक्स चाहे वो आपका पान की दुकान हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो सकती है आपकी किराना स्टोर हो सकता है हुँ. आपका सलून हो सकता है राइट तो हुँ. आपकी एक शॉप फिक्स इलेक्ट्रिकल आपकी एक शॉप है तो एज अ कंज्यूमर माई डिफाइंड शॉप आर देर बराबर है अगर मुझे वहीं से ही प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है हुँ. और विद इन टाइम मिल जाता है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो फेज टू जो हम बनाने वाले हैं उसमें ये स्टेप हम लेके आएंगे कि कस्टमर को उसकी चॉइस की जो दुकान है वहीं से ही सामान मिल जाएगा उसकी कन्वीनियंसी से विद इन द टाइम लिमिट ओके राइट तो विद द कन्वीनियंस Okay. तो वो हमारा फ्यूचर है बट करंट जो हमारा जो प्लान था कि रिटेलर के 360 डिग्री कैसे हम वैल्यूएड कर पाए उसको पैसा चाहिए तो पैसा देंगे उसको माल चाहिए तो माल देंगे उसको प्राइजिंग अच्छा चाहिए तो प्राइजिंग देंगे उसको मार्जिन चाहिए तो मार्जिन देंगे हुँ. ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करके देंगे तो आज भी इंडिया में सेवेंटी परसेंट जो पोटेंशियल है हुँ. वो ऑफलाइन सेल्स है हुँ. राइट right? अगर मैं एवरेज आउट कैटेगरी करता हूँ तो, तो 70 परसेंट मार्केट है और इंडिया का जो मार्केट है वो कंपेयर टू चाइना इट इज वन टेंथ वी आर टेन परसेंट ऑफ चाइना आज मैं एक एयर कंडीशन का अगर एग्जांपल आपको देता हूँ तो एयर कंडीशन चाइना में आठ करोड़ बिकते हैं तो इंडिया में अस्सी लाख बिकते है बराबर है दोनों कंट्री का पॉपुलेशन इज सेम क्योंकि अपने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और जो डेवलपमेंट और अब जो हमारा जो काम हो रहा है उसके हिसाब से जो डिमांड आने वाला है वो नेक्स्ट लेवल आएगा हुँ। राइट हुँ। तो वैसे ही सीधा दिख रहा है कि दोनों कंपनी दोनों कंट्री का कंपेरिजन करके ही अगर मार्केट आपका टेन एक्स होने वाला है राइट तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कभी भी 100 परसेंट एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे बेस्ड ऑन दी कस्टमर कन्वीनियंस वो दोनों का प्रेजेंस रहने वाला है साथ में ही चलेगा आज भी मैं यूएस में देखता हूँ तो 56 सिक्स परसेंट बेस्ड बाई जो है उसका जो सेल्स से है वो आज भी ऑफलाइन है True. ठीक है सो दैट मीन्स वो सिमिलर रेशियो इधर भी रहेगा अगर मैं ट्रेंड यूएस का ही इधर अगर रेप्लीकेट करता हूँ तो।, तो वो सेम अगर हमें देखना है तो पोटेंशियल इज वेरी हाई कि आज जो करंट मार्केट है मेरे हिसाब से तीन लाख करोड़ का मार्केट है हुँ. टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स का राइट तो आज भी फिफ्टी परसेंट अगर हम पकड़ते हैं तो भी डेढ़ लाख करोड़ का मार्केट साइज है हुँ. जहां पे अगर मैं ये स्मॉल रिटेलर्स का पकड़ता हूँ वो मतलब समझो कि अगर हम टेन परसेंट भी बिजनेस अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो इट्स बिग रेवेन्यू राइट एंड बिग प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड स्मॉल रिटेलर्स टू हेल्प तो ये जो एक नॉबल कॉज की तरफ हमने इसको डिफाइन किया है कि इसको कोलोपरेटिव अप्रोच की तरह इस प्लेटफॉर्म को हमें बनाना है कि सबका साथ सबका विकास वाला जो मंत्र है हमारा पीएम का वैसा ही हमारा थीम है कि हम सबको अंडर वन अमरेला एक वननेस करके हमने वैल्यू भी रखा है हमारी कंपनी में कि अंडर वननेस वैल्यूज अगर सब लोग साथ में आएंगे सब लोग मेहनत करेंगे सब लोग एफिशिएंसी लाएंगे तो उसका फायदा भी सबको होगा दैट इज द कोलोपरेटिव मॉडल ओके so it is kind of a saas product no it is not a saas, SaaS product. product it is uh, you know pure e-commerce for pure them e so they are just uh, you know based on transaction we are charging the fees so it's a different different categories categories like mobile we are charging very less margin categories like accessories and all obviously there are uh, you know little bit of uh, big delta so we are charging 5 to 7% okay तो आपके कंपटीशन में अभी कौन है इंडिया में सो इंडिया में अभी कंपटीशन में अगर मैं एकदम एप्पल टू एप्पल हमारा मॉडल अगर अगर देखता हूँ तो देर आर नो कॉम्पिटिशन ओके राइट Udan आर Arzu. लाइक उड़ान एंड आरजू दे आर डूइंग ग्रेट ओके बट दे आर Okay. We are into the प्योर प्ले marketplace model. Okay. ओके okay. आपको एग्जाम्पल दू की जो एल जी का डिस्ट्रीब्यूटर है रमेश कॉरपोरेशन अहमदाबाद सिटी में तो ओनली रमेश कॉरपोरेशन कैन ज्वाइन वो गॉर एल जी ब्रांड अच्छा। उसके पास है।, है। अगर किसी दूसरे के पास एल का माल है जिसने करके वो आया है तो वो पे नहीं बेच सकता है so clear, on ताकि वो ब्रांड का जो मेजर रेवेन्यू है वो जनरल ट्रेड मार्केट से आ रहा है तो जनरल ट्रेड मार्केट में कोई भी आके अगर डिस्कशन लेके आता है तो ब्रांड अलाउ नहीं करेगा सो आर

और इंटरनेशनल मार्केट में अभी आपका कोई कंपटीशन जो आपके लिए हो रहा था सो so, अभी तक उतना मतलब एक रिटालियो करके मीना मतलब जो रीजन है वहां पे मतलब रिटालियो करके था एक प्लेटफॉर्म दे आर इनटू टू दी एफ नॉट इन इलेक्ट्रॉनिक्स सो अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसा कोई एकदम कहाँ का, का, मार्केट है कहाँ का है? मीना मीन्स ये आपका यूएई सऊदी एंड ओके सो so, अपना ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट होता है ना उसमें क्रेडिट का बहुत बड़ा पॉइंट आता है पेन पॉइंट होता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो आप कैसे सॉल्व करते हो उसको? सो वी आर गिविंग कम्प्लीटली डिजिटल ऑन बोर्डिंग सो दे देयर डॉक्यूमेंट्स लाइक के वाई एंड ऑल देन देव टू साइन दी यू नो दर्जा लिंक वेर दे है डेटा विथ आवर प्लेटफॉर्म देन वी विल्यूट देर एलिजिबिलिटी सो बेज ऑन दैट टर्न ओवर प्रोफाइल एंड फाइनेंशियल कोड ऑफ कंडक्ट वी गिव दम लिमिट ओके सो देर आर दी सम अंडर राइटिंग क्राइटेरियाज कि उसका नेटवर्क क्या है पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है रिटेल मतलब खुद के बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है डिसिप्लिन ऑफ रीपेमेंट क्या है सो वी आल्सो टेक देयर एग्जिस्टिंग बाइंग डंप फ्रॉम देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स बराबर तो एग्जिस्टिंग बाइंग बिहेवियर ऑफ रिटेलर्स इज आल्सो मतलब रिक्वायर्ड तो वो सब हम चेक करके वी प्रोवाइड देम क्रेडिट ओके राइट एंड अप टू टेन लाख रुपए का जो क्रेडिट होता है वो विद इन 24 आवर्स टू में हम 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 लाइव लाइव कर 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 देते देते हैं 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 एंड अप का जो लिमिट है वो वीक दिस प्रोसेस वी आर प्लानिंग कि इसको इसको मोर एफिशिएंट कैसे किया जाए इसको कितना हम कर सकते सो so, ये सब मतलब हमारा की जर्नी में हम पूरा ला रहे हैं कि इसमें कैसे ला सकते। okay. this, uh, जिनके में है या yeah. सो दैट इज द यू नो द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे आ, उनका डिस्कवरी भी सॉल्व हो रहा है बिकॉज दे आर गेटिंग एवरी ऑनलाइन अभी तक का एक रिटेलर का बाइंग बिहेवियर अगर आप देखोगे तो कैसा था तो उनके पास मार्केट के जो भी 200, 400, 500 ब्रांड है हर एक कैटेगरी मिला के वो लोग आते थे पर्सनली उनको मिलते थे या फोन पे मिलते थे या उनको व्हाट्सअप के थ्रू अप्रोच करते थे तो वैसे मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन आती थी देन वो अपना ऑर्डर लिखाता था, था और फिर वर्बल याद रखना फिर वो भूल गया फिर उसमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट इस टाइप के उनके एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग बिजनेस था हुँ. जिसको हमने स्टडी करके एक सिंपल एप दे दिया जहाँ पे उसको एक ही ऐप पे मार्केट के सारे ब्रांड और सारे प्रोडक्ट का उनके पास प्राइजिंग ऑफर्स और एवरीथिंग इज अवेलेबल तो उसको कोई भी फिजिकल प्राइजिंग और कुछ भी उसको वहां पे रखना ही नहीं है बराबर ना याद रखना है

दूसरा उसके पास पूरे मार्केट में जितने भी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स है हुँ. सारे टॉप लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अवेलेबल ऑन अवर प्लेटफॉर्म तो उसको वो 400-500 डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइसिंग याद नहीं रखना पड़ता है हुँ. तो वो सब अवेलेबल है दूसरा उसको बिकॉज डिजिटली पूरा कैटलॉग अवेलेबल है तो उसको इजी हो जाता है लीन इन्वेंट्री में बिजनेस करने का क्योंकि वी ऑलवेज गिव देम दिस कि भाई आप लीन इन्वेंट्री पे ऑर्डर करो जितना जरूरत है उतना ही माल आप ऑर्डर करो क्योंकि अब तो आपके सामने सारा अवेलेबल है राइट right? जब आपके सामने प्रोडक्ट और प्राइस अवेलेबल नहीं होता है तो आप स्टॉक करके रखते हो कल ये मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्या है वो स्कैर रहती है बट वेन यू आर हैविंग ऑल एक्सेस रियल टाइम की एक बटन दबाया और माल आ गया तो यू कैन रियल टाइम परचेस यू नो एज पर योर डिमांड तो वो पूरा हमने सिस्टम सेट किया सो so दिस आर दी अवर एफिशिएंसीज कि कहीं पे अगर रिटेलर ने कोई प्रोडक्ट ज्यादा स्टोर कर दिया और उसको वो प्रॉब्लम आ गया कि भाई ये प्रोडक्ट अपूट हो गया और प्राइस डाउन हो गया या वॉट मतलब अदर प्रॉब्लम्स आ सकता है जो बिकॉज ऑफ लीन इन्वेंट्री उसका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है तो बेसिकली जो सप्लाई पहले जिस तरीके का पूरा चेंज चलता था विदाउट दी एप उसमें ऐसा था कि सब कुछ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के ऊपर चलता था एंड क्रेडिट नोट डेबिट नोट ये सब स्टोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था तो उसके लिए आपने एक ऐप आप ही बना दिया जहाँ पे लोग आसानी से सब कुछ कनेक्ट कर पाए दूसरा क्या है कि आज उसको ऑर्डर लिखाना है हुँ. तो वो फिजिकल अप्रोच में आदमी भूल जाता है हुँ. क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट है इंक्वायरी है वेरी डिफिकल्ट मैं आज भूल गया कल कस्टमर आ गया मेरी दुकान पे अरे यार वो माल आपने बोला था दिया नहीं तो बोले यार, यार मैं भूल गया या मेरे पास अभी भी स्टॉक नहीं आया हुँ. तो ये सब लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि वो एनी टाइम मतलब रात को दस बजे भी उसको याद आया कि यार कल मेरे को ये माल करना है मुझे मैं भूल गया तो रात को दस बजे भी वो कर सकता है एनी टाइम ही कैन ऑर्डर ओके

कि आपका जो मटेरियल है वो कितने टाइम में आएगा या कौन से स्टेज पे है क्या है वो रियल टाइम ट्रैक एंड अगर उसने क्रेडिट से खरीदा है तो वो इंटीमेशन भी बैंक को चला जाता है कि भाई इसने ऑर्डर दिया है इसकी क्रेडिट में से इतना पैसा ब्लॉक कर दीजिए एंड द मोमेंट मटेरियल डिलीवर्ड हो जाता है वो क्रेडिट का जो पैसा जो है वो सेलर को हम अलग अलग प्लान से हमारे कस्टमाइज प्रोग्राम से उसमें हम उनको इस कर देता है बराबर है और हमने इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है कि बैंक का पैसा भी सीधा सेलर को चला जाता हुँ, है सो वी आर नॉट होल्डिंग एनीथिंग तो जो मैंने आपको बताया कि इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच तो पूरा ट्रांसपेरेंसी रखा है कि दूसरे का अगर मुझे ट्रांसपेरेंसी लाना है तो मेरा पहले रखना पड़ेगा तो वी आर नॉट टचिंग एनी मनी तो जो सेलर का पैसा है वो सेलर को सीधा बैंक दे देता है बराबर तो हमने सिर्फ सिस्टम ऐसा रखा है कि जिसमें मतलब जैसे ही वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है वो पैसा जिसका पैसा जिसको है उसको वो पहुंच जाता है बराबर है सो हमारा कमीशन हमारे पास आ जाता है सेलर का पैसा मटेरियल का है, वो सेलर के पास चला जाता है और विथ एवरी नोटिफिकेशन की कहाँ पे आपका पैसा अटका है कहाँ से निकल रहा है करेक्ट करेक्ट करेक।

ओके okay, नाइस nice. और आपका एक्सपानशन प्लान क्या है अभी सो इन एक्सपानसन प्लान रिसेंटली यू नो व्हेन योर मॉडल एस्टैब्लिश सो वी वेर एक्सप्लोरिंग दैट अगर हमें स्पीड uh, को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं तो उसमें एक अच्छा ऑप्शन हमें मिला एक सी uh, कार्ड करके जो प्लेटफॉर्म है कंपनी uh, है मुंबई बेस्ड सो सी कार्ड करके प्लेटफॉर्म उन्होंने बिल्ड किया था एंड uh, हमने काफी कॉम्पलीमेंट्री सीनर्जी फील किया एंड वी रियलाइज दैट अगर हम इसको एक्वायर करते हैं तो हमारा जो स्केल एंड स्पीड है वो काफी बढ़ सकता है एंड सी कार्ट में करीब करीब बीस हजार रिटेलर एंड मोर देन थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल है क्योंकि वो Uh, उनके पास भी ट्वेंटी थर्टी ब्रांड्स नेशनल लेवल पे जो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को बेचते हैं अच्छा सो देर आर हनी वेल देर आर आई बॉल देर आर सैमसंग मेनी ब्रांड्स राइट सो वो ब्रांड्स को वो अपने ही प्लेटफॉर्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को वो सेल कर रहे थे वो उनके लिए एक इंटरनल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम काइंड ऑफ था जहाँ पे वो बी टू बी प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे बट देन दे ऑल्सो रियलाइज की वोगम के साथ वो बेटर हो सकता है सो देन वी मेड अ डिसीजन एंड रिसेंटली इन अप्रैल 2024 वी अक्वायर्ड दी सीकार्ड सो विद सीकार्ड वी विल हैव नाउ 20000 रिटेलर्स एंड 1000 मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स ओके सो अवर एग्जिस्टिंग प्लस सीकार्ड स्ट्रेंथ विल बी लाइक पैन इंडिया ओके ओके कितना टाइम हुआ वोगम को स्टार्ट किए हुए एंड व्हाट इज द बिजनेस मॉडल सो वोम का जो मतलब मेरे माइंड में मॉडल जो क्रिएट हुआ था वो 2016 में हुआ था और नाम भी मैंने 2016 दिसंबर में डिफाइन कर लिया था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को बनाना है आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड राइट रिसोर्सिस क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है कोई भी इको को बनाने के लिए सो पोस्ट कोविड आई रियलाइज नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू जम्प एंड डिजिटल इकोसिस्टम और स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना अब फास्ट uh, ग्रो हो रहा है तो विद इन दिस टाइम वी कैन स्टार्ट सो 2021 अप्रैल वी फॉर्म अ कंपनी एंड मेरे साथ uh, जो मेरे पार्टनर एंड को फाउंडर है रवि पटेल ही इज ऑल्सो अ फाइनेंस बैकग्राउंड सो ही ज्वाइन एंड हम दोनों ने मतलब जब 2016 में मुझे आइडिया आया था फिर 18 में हम दोनों मिले तो हमारा साथ में ही ये फिक्स हो चुका था कि इसको साथ में बनाएंगे ऐसा करके सो वैन वी फॉर्म अ कंपनी देन ही ऑल्सो ज्वाइन एंड मेजर द फाइनेंस एंड दिस रिटेलर क्रेडिट्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स ही इज टेकिंग केयर ऑफ एंड द बिजनेस साइड्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक अलाइंसिस एंड ऑल आई एम टेकिंग केयर ऑफ राइट सो आई एंड रवि स्टार्ट दिस टूगेदर एंड देन हमारा ऐसा फील था कि इनिशियली ग्रो होने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ वाले पार्टनर चाहिए True. क्योंकि पैसा तो अगर आ जाएगा कंपनी में तो सिर्फ पैसे का काम पैसे से ही हो पाएगा yeah. बट अगर पैसे के साथ अगर आपको नेटवर्क मिल सकता है जो अभी हमारा थीम है नेटवर्क इज नेटवर्थ तो हमने ऐसे पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करना चालू किया कि जो आने वाले समय में हमें नेटवर्क बनाने में हेल्प कर पाए इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स एंड ऑल राइट तो वो टाइप के हमने इन्वेस्टर्स भी ऑनबोर्ड किए जो नियर डियर एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ वाले पार्टनर्स बराबर जितने भी इन्वेस्टर अपने ऑनबोर्ड राइट 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 एंड बिजनेस मॉडल स्पेसिफिकली इसका वोगम का सो बिजनेस मॉडल जो हमने डिफाइन किया कि हम बी टू बी बिजनेस में मतलब आज इंडिया का जो बी टू बी बिजनेस है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज रहा है और उसको किसी ने भी आके टेक के थ्रू ऑर्गेनाइज नहीं किया है hmm. सो वी रियलाइज की अगर हम इसको टैक के थ्रू अगर अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज कर देते हैं एंड इन एफिशियंट को एफिशियंट कर देते हैं और ट्रांसपरेंट कर देते हैं yeah. तो बड़ा काम हो जाएगा सो देन वी फिक्स कि हम बी टू बी बिजनेस में जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच का जो पहला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे इवेंचुअली yeah. हम रो मटेरियल सप्लायर टू फैक्ट्री देन फैक्ट्री टू ब्रांड ब्रांड टू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर तो कोई रिटेलर बोलेगा की भाई तुझे डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड फैक्ट्री सब चाहिए तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म hmm. पे अवेलेबल है फैक्ट्री को बोलेंगे कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर अवेलेबल है राइट अच्छा, right? okay. हम ब्रांड को बोलेंगे कि हमारे पास फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर अवेलेबल है सो इट विल बी यू नो बी टू बी वर्स सो इन वन वर्ड इफ यू वांट व्हाट इज वोगोम इट बी टू बी वर्स ओके जैसे आज एआर वीआर में फेसबुक इज सेइंग मेटावर्स मेटावर्स सो वोगोम यू कैन से इट्स अ बी टू बी वर्स सो तो so, आपका जो स्टार्टअप है वो फंडेड है इट इज अ बूटस्ट्रैप यू कैन से जो इनिशियली हमने ही फंडिंग किया एंड hmm. देन मतलब हमने थोड़ा बहुत हमने फंडिंग रेज किया अराउंड थ्री मिलियन सो दैट इज फ्रॉम दिस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ स्टेक होल्डर्स कि जो इस इकोसिस्टम में वैल्यू ऐड कर सकता है ओके या एंड कितने टीम मेंबर्स अभी आपके पास सो करंटली वी आर 105 ओके आर यू प्लानिंग टू रेज एनी फंड्स So, startup and building a ecosystem is continuous journey, right? Hmm. So, you want to drive your vehicle then, or your company then, you need you know everyday fuel. <laughs> so, obviously, you know, fundraising you cannot hold. Recently, if you have seen, then Chapter is hmm. one of the good example hmm. ki jisne recently one billion dollar fund total raise. Kar liya, hmm. Hmm. Right? So, continuous fuel raise. करते रहना पड़ता है तभी आपके जो फ्यूचर प्लान है और जो भी आपके माइल्ड स्टोन है वो अचीव हो सकते हैं डेफिनेटली वी वी आर लुकिंग बट एट राइट 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 स्टेज टाइम इन्वेस्टर विल ऑन बोर्ड ओके वन पीस ऑफ जो आप देना चाहते हो अगर जो कोई एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज वेरी सिंपल जस्ट ऑन द रिस्पांसिबिलिटीज राइट तो जिम्मेदारी जो होती है वो कभी भी Uh, दी नहीं जाती है ली जाती है सो so, अगर आपको बनना है तो आपको जिम्मेदारी लेना है अगर आपने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व करना है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपने ले ली तो ऑटोमेटिकली विद रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल एबल टू क्रिएट आपने अभी तक तो कभी जॉब किया है नो नो आई डायरेक्टली स्टार्टेड बिजनेस थैंक यू सो मच नीरव भाई फॉर ज्वाइनिंग ऑन द पॉडकास्ट आपकी जो बिजनेस की जो जर्नी थी और ज़्यादा सक्सेसफुल हो मेरे को बौ बोगम को स्पेसिफिकली जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है ये मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा डीप पता नहीं था जब आपने बताया जिस तरीके से कि इट्स काइंड ऑफ की इतना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से आराम से टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट लाया जा सकता है इट्स बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट होप्सो ये पॉडकास्ट ने आपको हंड्रेड परसेंट वो के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो एज वेल एज आपको इंस्पायर भी किया हो जल्दी से ये वीडियो एक ऐसे दोस्त या एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से बिलोंग करता हो एंड अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर हो तो वो को एक बार जरूर रीच आउट करना अगर जो आपके कोई सजेशन है या आप कोई नए गेस्ट को इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना उनको टैग करो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो और मुझे भी बताओ ताकि मैं उन्हें रीच आउट कर पाऊँ ये पॉडकास्ट में ला पाओ और आप लोगों को और ज़्यादा इंस्पायर कर पाओ ये चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना ताकि इस तरीके के जितने भी पॉडकास्ट है बिजनेस है इंस्पिरेशनल है मेडिकल है जितने भी है अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट मैं आपके तक पहुँचा पाऊँ सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट टिल दैन कीप इंस्पायरिंग